नमस्कार, ग्लिम्स डॉट इन में आपका स्वागत है और मैं हूं आनंद। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की 1217 करोड़ की 41 संपत्तियां अटैच कर ली हैं। यह संपत्तियां मेहुल चोकसी और उसकी कंपनियों की है। जो संपत्तियां जब्त हुई है उसमें मुंबई स्थित 15 फ्लैट्स और 17 ऑफिसेस के अलावा आंध्र प्रदेश में हैदराबाद जेम्स, कोलकाता में एक शॉपिंग मॉल, अलीबाग में एक फार्म हाउस, साथ ही महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 231 एकड़ जमीन शामिल है। बता दें कि घोटाले में मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। वहीं आयकर ने भी अपना शिकंजा कसा है। फिलहाल मेहुल चोकसी अपने परिवार के साथ विदेश में है। उनसे पिछले दिनों अपने कर्मचारियों को पत्र लिखकर कहा था, उनके खिलाफ जारी कार्यवाही के चलते वो कर्मचारियों की तनख्वाह देने में सक्षम नहीं है। हाय, मैं हूँ जावेद अली और क्लिप्स डॉट इन को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वन नेशन वन इलेक्शन।